हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। राजकुमार राव बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं। उनकी पिछली कुछ फिल्मों को दर्शक खूब ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं एक्टर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से जहां शादी रचाकर अपनी फीमेल फैंस का दिल तोड़ दिया, तो वहीं इसी बीच राजकुमार राव ने बेबी प्लानिंग को लेकर बात की। दरअसल ऐसे में फैंस अब दोनों को पेरेंट्स बनते हुए देखना चाहते हैं, जहां राजकुमार और पत्रलेखा की साल 2021 में शादी हो गई थी। राजकुमार राव ने हाल ही में शहनाज गिल के शो देसी वाइफ्स फिर शहनाज गिल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों पर खुलकर बात की। राजकुमार ने मज़ेदार अंदाज में शहनाज के सभी सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें कि शहनाज ने राजकुमार राव से बेबी प्लानिंग के बारे में सवाल किया था, जिस पर एक्टर शर्मा गए और उन्होंने कहा, अभी इस बारे में सोचा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं खुद ही अभी एक बच्चा हूँ, राजकुमार ने ये कहा। इसके बाद राजकुमार राव ने ये भी बताया कि उन्हें कैसी बेटी चाहिए। राजकुमार ने शहनाज गिल को देखते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी होती है तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके जैसे बिंदास, स्वीट और साथ ही सिंपल हो। वहीं राजकुमार की इस बात को सुनकर शहनाज के साथ साथ उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।